हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। हमने ये देखा कि ऑब्जर्वेबल्स एंड सब्सक्राइब क्या होता है, क्या रोल होता है ऑब्जर्वेबल्स का और सब्सक्राइब का, और एचटीटीपी और एचटीटीपी क्लाइंट के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा। और दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे कि ऑब्जर्वेबल्स और सब्सक्राइब के साथ हम बिब एपीआई कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है इस ऑब्जर्वेबल्स और सब्सक्राइब का, तो उसको आप जरूर एक बार विजिट करें, क्योंकि वो देखने के बाद ही ये पार्ट और अच्छे से आपको समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी बेसिक कंसेप्ट समझा रखा है ऑब्जर्वेबल्स का और सब्सक्राइब का, और जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आगे के कुछ पार्ट्स जो आने वाले हैं मेरे ऑब्जर्वेबल्स और सब्सक्राइब से रिलेटेड वो अच्छे से आपको समझ में आएगा। या तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। राइट, तो दोस्तों बात करते हैं बिब एपीआई की। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ उसमें हम बिब एपीआई यूज करेंगे। दोस्तों, हो सकता है आप वेब डिजाइनर हैं, या फिर पीएचपी डेवलपर हैं, या फिर डॉटनेट डेवलपर हैं, सबके लिए या तो फिर किसी न किसी लैंग्वेज में आपको बिब एपीआई बनाना होगा, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई बीबीपीआई बनाने की जरूरत नहीं है। अभी आपको आप डायरेक्टली आप एंगुलर में ही बीबीपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और कैसे बनाएंगे, क्या इंस्टॉल करना होगा, उन सारे चीजों को मैं इसी वीडियो ट्यूटोरियल में बताऊंगा। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपको किसी दूसरे लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी कोई जरूरत नहीं होगी। आप सिंपल डेवलपर भी हैं, मीन्स कि यूआई डेवलपर, और आपको एपीआई लिखने नहीं आता है, या फिर दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं आता जैसे एमवीसी हुआ या कुछ भी जिसमें आप एपीआई बना सकें, तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज जो बताऊंगा उसमें आप ये देखेंगे कि आप एंगुलर में ही वीएस कोड के अंदर ही जो उसमें कैसे आप अपना वेब एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एंगुलर प्रोवाइड करता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या इंस्टॉल करना होगा, कैसे क्रिएट करें, कैसे अपना डेटा के लिए डीबी क्रिएट कर लेंगे एंगुलर के अंदर ही, इन सारी चीजों को मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा। इसलिए आप इसको बहुत ही केयरफुली देखें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट आपके नॉलेज और डेवलपमेंट को बेस मानकर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल का स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। इन एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें किसी न किसी वेब सर्विस की URL की जरूरत होती है। राइट, और एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि इन मेमोरी वेब एपीआई हमें प्रोवाइड करता है, जिसको हम एक सर्विस वेब सर्विस के URL प्रोवाइड करता है उसके थ्रू, और उसको हम यूज करके अपने डमी डेटा के साथ अपने एप्लीकेशन में यूज करके टेस्ट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को कि हम कैसे डेटा शो करते हैं। राइट, तो वही हमने यहाँ बता रखा है कि टू टेस्ट आवर एप्लीकेशन वी नीड वेब सर्विस URL। राइट, एंगुलर प्रोवाइड इन मेमोरी वेब एपीआई दैट विल प्रोवाइड वेब सर्विस URL। राइट, हमने वही बताया दोस्तों कि किसी न किसी एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें वेब सर्विस URL की जरूरत होती है, उसको हम किसी न किसी लैंग्वेज में राइट करना होता है। बट एंगुलर क्या करता है दोस्तों कि हमें इन मेमोरी वेब एपीआई प्रोवाइड करता है, जिसमें एक वेब सर्विस URL देता है, उसको हम यूज करके हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ डमी डेटा डाल सकते हैं, अपना हम डेटाबेस डीबी जिसको बोलते हैं डीबी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ डेटा रखेंगे उसमें, और उसको हम यूज करके उस एपीआई को अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं। तो बात आती है दोस्तों कि इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसकी बात होती है कि दोस्तों कि इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये हमने कमांड लिख रखा है कि npm i, i मींस इंस्टॉल होता है, i के जगह पर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं सिंपल, npm i एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई @0.5.3 सेव। ये पार्टिकुलर हमने वर्जन का नाम दे रखा है, आप यहाँ वर्जन का नाम देकर डॉट डॉट सेव करेंगे तो आपके जो प्रोजेक्ट होगा उसमें आप क्या होगा कि ये इंस्टॉल हो जाएगा वेब एपीआई। राइट, तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल कर करके एक एक स्टेप करके कर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम इसमें वेब एपीआई के लिए जो एंगुलर मेमोरी वेब एपीआई प्रोवाइड करता है उसको हम इंस्टॉल करेंगे पहले। राइट, तो यहाँ बात आती है दोस्तों कि हमें क्या कौन सा कमांड लिखना होता है, तो हम एक कमांड लिखेंगे कि npm, और हमने बोला था कि i, राइट, आई या इंस्टॉल कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फिर एंगुलर डैश इन मेमोरी डैश वेब डैश एपीआई, उसके बाद दोस्तों एट द रेट और वर्जन का नेम दे देंगे 0.5.3
5.3, उसके बाद दोस्तों डैश डैश सेव, राइट। अब फिर इंटर क्लिक कर देंगे दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि हम आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारे इस प्रोजेक्ट में देखें इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये इंस्टॉल कर देगा प्रोजेक्ट में, राइट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, एक या 2 मिनट लगेगा इसमें। इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों ये इंस्टॉल हो चुका, यहाँ पर आपने बता दिया, देख लीजिए कि अब देख लिया कि आपने कि एडेड वन पैकेज इन इतना, राइट। और ये बता दिया कि प्लस एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई, राइट। मींस कि हमारे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो चुका है, अब हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो बात आती है दोस्तों कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो चलिए मैं इसको एक 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 करके स्टेप बाई स्टेप आपको समझाऊंगा, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा और आप इसको देख कर आप अपने कंप्यूटर पर आप ओपन करके इसको आप साथ ही साथ राइट करके बना भी सकते हैं, राइट। तो साथ ही साथ आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, राइट। अगर दोस्तों मैं आपको यही बात बता दूं कि अगर आपको इस एप्लीकेशन के जो मैं समझा रहा हूँ इसका कोड भी चाहिए आपको, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अपना ईमेल आईडी, मैं आपको इसका कोड भेज दूंगा, राइट। और कुछ ही दिनों में हमारा वेबसाइट आने वाला है दोस्तों, आप जहाँ से आप हर जितने भी मेरे वीडियो सभी वीडियो का कोड आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों अब अगले स्टेप पर देखते हैं कि आगे हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों हमने क्या किया कि अभी हमने npm इंस्टॉल कर npm i करके और एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई को इंस्टॉल किया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोस्तों एक हम टेस्ट करने के लिए टेस्ट डीबी के क्रिएट करेंगे, क्रिएट डीबी आप देख सकते हैं यहाँ पर, कि हम उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि इन मेमोरी डीबी सर्विस को हमें इंपोर्ट करना होगा एंगुलर इन वेब एपीआई से, और उसमें हम एक्सपोर्ट करेंगे टेस्ट डाटा इंप्लीमेंट, हमारा ये क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास, और उसके टेस्ट डाटा करेंगे उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे इन मेमोरी डीबी सर्विस से। और उसके बाद यहाँ पर एक हम डीबी क्रिएट कर रहे हैं दोस्तों, राइट। तो उसमें हम क्या कर लेट बुक डिटेल्स ये टेबल टाइप का बन जाएगा, बुक डिटेल्स में हम क्या करेंगे और उसमें हम एरे टाइप का बोल सकते हैं, टेबल नहीं बोल सकते क्योंकि अब आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, आप एरे बनाएंगे यहाँ पर आईडी इस तरीके से हम 3 डिटेल्स या जितने मर्जी उतने डिटेल्स डाल सकते हैं बुक का, और उसके बाद रिटर्न करा लेंगे बुक डॉट बुक कॉलन बुक डिटेल्स, इसको हम रिटर्न करा लेंगे, इस बुक में चला जाएगा और इस बुक को हम जाके आगे यूज करेंगे। तो चलिए पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे, राइट। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप तो पता ही SRC के अंदर ऐप होता है, ऐप के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे राइट क्लिक करके एक फाइल ऐड करेंगे और उसका नाम दे लेंगे दोस्तों हम क्या टेस्ट रख लेते हैं, टेस्ट डाटा, राइट डॉट ts, मीन्स कि हम ts फाइल बना रहे हैं और इंटर मार देंगे, राइट। ये हमारा टेस्ट डेटा आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें हम बनाएंगे उसको इंपोर्ट करेंगे और टेस्ट क्रिएट डीबी करेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आपको पता ही है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो इंपोर्ट करना होता है, तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ कहाँ से हमें इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद इजीली वो फेच हो जाएगा वहां से। यहाँ पर लिखेंगे एंगुलर, एंगुलर देखिए यहाँ पर अपने आप आ भी गया एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई, राइट। यहाँ पर हम कॉलन लगा देंगे सेमी कॉलन, उसके बाद आप यहाँ पर जैसे लिखेंगे ना तो जिसको हमें करना है वो अपने आप आ जाएगा इन मेमोरी इन होगा यहाँ पर IN, यहाँ पर हमने M शायद क्लिक कर दिया था इन मेमोरी। अब यहाँ पर देखिए इन मेमोरी क्या करना है हमें DB सर्विस, डीबी सर्विस देखिए आ गया, इसको हम कर लेंगे, राइट। अब क्या होगा दोस्तों कि अब हमें इसको आगे यूज कर लेंगे, अब हमें क्या बोल रहा है, अब हम जाएंगे नीचे, अब क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे एक टेस्ट डेटा से बना लेते हैं हम, टेस्ट डेटा बना लिया हमने और इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट्स किसको करना है हमें इन मेमोरी डेटा को, राइट। डीबी सर्विस को हम कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे कि हम जैसा बताया कि हम डेटा क्रिएट करेंगे तो क्रिएट डीबी कर लेते हैं। आपको जहाँ भी कोई भी कंफ्यूजन हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें दोस्तों, और आपको कोड की जरूरत है हमारे कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं,
हम आपको कोड भेज सक देंगे इसका। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे लेट बुक डिटेल्स, राइट। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितने भी हमें, अब दोस्तों यहाँ पर हम डेटा बना रहे हैं, जितना भी डेटा हमें डालना होगा यहाँ पर हम डेटा बना लेंगे एक एक करली ब्रैकेट के अंदर। आईडी हमने दोस्तों मान लो ले लिया, हमने आईडी लिया और हमने मान लो दोस्तों 100 से शुरू किया, कॉमा नेम, राइट। इसको भी हमने ले लिया, कुछ भी जो भी नेम लेना है दोस्तों आप ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे एंगुलर एंगुलर बाई सहो सॉफ्ट, राइट। उसके बाद आप कैटेगरी ले सकते हैं, जो भी डेटा आपको लेना है कैटेगरी ले लिए, इसमें आप ले सकते हैं कि एंगुलर, राइट। अब इसको मैं कॉपी करके आपको एक एक करके बना देता हूँ। तो दोस्तों इसको कॉपी कर करके हम बना लेते हैं आगे डेटा, ताकि टाइम बचेगा कोड करने का। यहाँ पर हम कॉमा देंगे लास्ट में और एक बना लिए, फिर कॉमा एक और डेटा बना लिए। अब इसका नेम चेंज कर लेंगे दोस्तों, मान लो इसका हमने कर लिया 101, इसका 102 कर दिया हमने। यहाँ पर हम कुछ और ही बुक का नेम लिख ले सकते हैं, जैसे कोर डॉट नेट हुआ, यहाँ पर भी कोई और बुक ले सकते हैं, NGRX, जो भी आप ले सकते हैं अपने मर्जी से। ये हमने एंगुलर लिख दिया है, इसको आप एंगुलर लिख लीजिए, एंगुलर टाइपिंग मिस्टेक है ये, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर ये, अब हमने क्या किया दोस्तों कि ये हमने बना लिया अपना एक डेटा, राइट। अब हम ये इसको रिटर्न करा लेंगे। एक बात, हमने यहाँ पर इसको हमें क्या करना होगा दोस्तों कि हम एरे बनाएंगे ना, इसको एरे बना लेंगे, इसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर इसको लिख कर सेमी कॉलन दे देंगे, राइट। तो ये देखिए जो भी एरर टाइप का आ रहा था वो हट गया। अब हमारा ये डेटा बन चुका है, इसको रिटर्न कर लेंगे, राइट। यहाँ पर हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न इसमें हम लिख लेंगे बुक्स और इसमें रिटर्न कर लेंगे बुक डिटेल्स को, राइट। इसको हमने रिटर्न किया और यहाँ पर सेमी कॉलन हो गया। तो दोस्तों ये हमारा देखिए सारे यहाँ पर यह सभी हट गया एरर टाइप का जो आ रहा था, और यहाँ पर जो हमारा एक डेट डीबी टाइप का क्रिएट हो चुका है, इसको हम आगे यूज कर लेंगे, राइट। उसके बाद दोस्तों अब क्या करते हैं कि ये हमारा एक तो बन गया हमारा एपीआई, अब इसके लिए हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे, जिस सर्विस में इसके यूआरएल को हम यूज करेंगे, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं हम कि यहाँ पर एनजी जी से जनरेट होता है, उसके बाद हम लिखेंगे सर्विस, या फिर आप एस भी लिख सकते हैं, राइट। सर्विस हो गया और हम बना रहे हैं बुक नेम से, राइट। बुक नेम से हमने सर्विस बनाया, अब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या करेगा कि हमें एक सर्विस क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें दोस्तों, आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो चुका है। दो फाइल बना, एक तो सर बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल और एक बुक डॉट सर्विस डॉट स्पेसिफिकेशन जो टी एस फाइल होता है वो बन गया। आप उसका यहाँ पर भी देख सकते हैं, दो फाइल बन चुका है। तो हमें जो बुक डॉट सर्विस डॉट टी एस फाइल है इसमें हम बनाएंगे, राइट। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि उस जो एपीआई का यूआरएल है उसको यूज करेंगे, राइट। और फिर उसको हम यूज कर लेंगे अपने कंपोनेंट पर जहाँ पे डेटा दिखाना है, इस सर्विस को यूज कर लेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पर तो पहले ऑब्जरवेबल और एचटीटीपी क्लाइंट को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि जब भी हमें ऑब्जरवेबल को यूज करना होता है अपने सर्विस के अंदर तो क्या करते हैं, ऑब्जरवेबल को इम्पोर्ट करना होता है, राइट। कि जो आर एक्स जे एक्स लाइब्रेरी के अंदर आता है, राइट। तो उसको हम पहले इम्पोर्ट एच टी पी क्लाइंट और ऑब्जरवेबल को इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट फ्रॉम एंगुलर एट द रेट एंगुलर एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एच टी टी पी, राइट। अब यहाँ पर हम
देंगे और यहाँ पर लिख लेंगे HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट, राइट। अब यहाँ पर अब उसके बाद हम इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों ऑब्जरवेबल को, इंपोर्ट फ्रॉम RxJS के अंदर ऑब्जरवेबल आता है, ऑब्जरवेबल, राइट। और यहाँ पर हम ऑब्जरवेबल को इंपोर्ट कर लेंगे, ऑब्जरवेबल को, राइट। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा तो यहाँ पर सर्विस बन चुका है बुक सर्विस के नाम से। इसके अंदर पहला काम होगा कि हम एक URL बना लेते हैं, राइट, बुक URL। बुक URL, राइट। इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि API का हम ले लेते हैं, जिसका जो हमने इंस्टॉल किया दोस्तों उसका API बनता है, आप URL बनेगा /API, और जो हमने बनाया था बुक्स रिटर्न कर रहा था, बुक रिटर्न कर रहा था, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर बुक, राइट। ये बन गया हमारा API, राइट। आप देख सकते हैं जो हमारा जो बुक्स रिटर्न कर रहा है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ पर ताकि नेमिंग कन्वेंशन में बुक्स होगा यहाँ पर। अब ये हम जैसे ही इसको यूज करेंगे दोस्तों, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट भी करना होगा बुक को, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा TS फाइल बना हुआ है इस बुक का, इसको इंपोर्ट करना होगा हमें। ये सर्विस हुआ, इसको इंपोर्ट, जो हमारा सर्विस बनेगा दोस्तों, इस सर्विस को हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर app.module.ts फाइल में। पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट और HTTP का हम बना लेते हैं HTTP क्लाइंट। यहाँ पर हम HTTP क्लाइंट कर यूज करेंगे। आपको पता है कि पहले हम 2 में 4.3 से पहले HTTP यूज करते थे सिंपली, लेकिन हम 4.3 के बाद हम HTTP क्लाइंट यूज करने लगे हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आया हुआ है इसमें। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे और इस फंक्शन में हम ऑब्जरवेबल यूज करेंगे, राइट। तो इसका क्या नाम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं गेट बुक्स फ्रॉम स्टोर, इस तरीके से कुछ बना लेते हैं, बुक्स फ्रॉम स्टोर ये बना लिया हमने, और इसमें हम ऑब्जरवेबल यूज कर लेंगे, यहाँ पे कॉलन किया हमने और ऑब्जरवेबल यूज कर लेते हैं, राइट, ऑब्जरवेबल। और इसमें दोस्तों हम पास करते हैं जिसको यूज करना है, किस टाइप का ऑब्जरवेबल बना रहे हैं, राइट। तो दोस्तों हम यहाँ पर एनी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक टाइप स्टैंडर्ड में क्या होता है कि टाइप बना लिया जाता है जिस टाइप का डेटा हमें रिटर्न करना होता है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बुक टाइप बना लेंगे एक। तो टाइप में हम क्या करेंगे, एरे टाइप का बुक बना लिया हमने, इसको हम एक टाइप बनाएंगे अलग से, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं इसको, और यहाँ पर ऐसे कर लिया। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम जो हमारा रिटर्न कराना होगा बुक, उसको हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP, जो कि हमारा ये HTTP हमने बनाया अभी, राइट, HTTP और डॉट गेट, जो HTTP का जो मेथड होता है आपको पता ही है, तो हम HTTP क्लाइंट का मेथड यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि HTTP जो लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं, HTTP क्लाइंट का वेरिएबल बन रहा है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर आप गेट, एक्चुअली हम जो ये गेट मेथड बना रहे हैं, HTTP क्लाइंट का मेथड बना रहे हैं, राइट, या फिर आप HTTP बोल सकते हैं, HTTP का मेथड बना रहे हैं। तो उसके बाद इसमें हम पास करेंगे क्या रिटर्न करेगा बुक टाइप का, आप एनी भी लिख सकते हैं, अगर आप एनी लिए हैं, अगर यहाँ पर ऑब्जरवेबल का तो यहाँ भी एनी ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आपने बुक टाइप बना रखा है तो हम बुक लेंगे। उसके बाद हम इसको बंद करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे इसमें दिस डॉट बुक URL, राइट, जो हमने अभी ऊपर बुक URL बनाया वो इसको हम रिटर्न करा लेंगे, ये हमारा URL दे देगा, यहाँ पर हम सेमीकोलन दे देंगे। तो एक तरीके से हमारा ये सर्विस बन गया, ये सर्विस क्या करेगा कि बुक URL में हमारे API का URL ले लेगा और उसको ऑब्जरवेबल में पास कर लेता है, और URL को क्या करेगा कि इसको पूरे गेट मेथड के बुक के थ्रू रिटर्न कर देगा, राइट। अब हमें क्या, पहली दूसरी बात क्या आती है दोस्त,
कि दोस्तों हमने यहाँ पर बुक बनाया, तो बुक का एक टाइप बना लेते हैं, राइट। उसके लिए हमें क्या करना, आप क्या देखिए यहाँ पे एरर टाइप कर रहा है कि, क्योंकि इसका टाइप बना नहीं है, कैन नॉट फाइंड नेम बुक बता रहा है। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ पर एक टाइप बना लेते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुक डॉट टी एस, राइट। इंटर मारेंगे, हमारा ये बुक बन जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंटरफेस बुक, और इसमें हम क्या करेंगे, बना लेंगे आईडी, ले लिया हमने जो जो हमने वहां पास किया था, जिस तरह का डेटा है हमारा उस तरह का बना लेंगे हम यहाँ पर, नंबर 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 सेमीकोलन, फिर हमने नेम लिया था उसमें, इसको स्ट्रिंग ले लेते हैं, नेम तो स्ट्रिंग आता है। उसके बाद हमने इसमें कैटेगरी लिया था, कैटेगरी, और यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। दोस्तों ये मैं जो कहाँ से लिया था जो बता रहा हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हम टेस्ट डेटा बनाए थे आप यहाँ पर देख लीजिए, आईडी, नेम और कैटेगरी लिया था हमने, राइट। आप इसको कॉपी करके यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि कोई नेमिंग कन्वेंशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे, राइट। इसको हमने सेव किया, ये हमारा बन गया टाइप। अब हमारे इसमें जाएंगे तो इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर हमें उसको इम्पोर्ट करना होगा। अभी देखिए यहाँ पर इश्यू आ रहा है क्योंकि बोल रहा है कैन नॉट फाइंड, तो हम यहाँ इसको इम्पोर्ट कर लेंगे बुक को, इम्पोर्ट, यहाँ पर हम इम्पोर्ट करेंगे बुक को, और फ्रॉम स्लैश डॉट करके लेते हैं, फोल्डर अंदर है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे बुक, राइट। ये हो गया हमारा, अब एरर चला गया, आप देख सकते हैं इसको हमने सेव किया, मींस कि हमारा एक सर्विस, पहले हमने क्या किया कि एक वेब एपीआई बनाया, मींस कि हमने डेटा क्रिएट किया, उसके उस यूआरएल को हमने एक सर्विस के अंदर यूज किया, राइट। अब जब भी दोस्तों हम सर्विस बनाते हैं तो हमारा फर्स्ट काम होता है कि उसको ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में हमें इंपोर्ट करना होता है और डिक्लेयर करना होता है, राइट। तो इसको हम चलेंगे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में, और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट करते जाएंगे, इंपोर्ट, इंपोर्ट हम पर सबसे पहले तो सर्विस को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारा बुक सर्विस है। पहले क्या करते हैं कि फ्रॉम लिख लेते हैं, फ्रॉम बुक सर्विस, तो उसके बाद यहाँ पर बुक सर्विस अपने आप आ जाएगा, बुक सर्विस आ गया। उसके बाद क्या दो करते हैं दोस्तों कि एपीआई को भी इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट फ्रॉम एंगुलर वेब एपीआई, और इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इसमें इन मेमोरी वेब एपीआई, इन इसमें दिख नहीं रहा है, इन मेमोरी आईपी मॉड्यूल, इसको हम ले लेंगे, राइट। एपीआई मॉड्यूल हो गया। उसके बाद दोस्तों हम टेस्ट डेटा को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हम बनाते हैं दोस्तों कंपोनेंट या सर्विस सबको ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर हम क्या करते हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिक्लेयर कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट टेस्ट डेटा को हम कर लेते हैं फ्रॉम डॉट टेस्ट डेटा सेमीकोलन, और इसमें हम क्या कर लेंगे, टेस्ट डेटा को हम रख लेंगे, राइट। ये हुआ हमारा जैसे इंपोर्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक और हमें इंपोर्ट करना होगा किसको, कि एचटीटीपी क्लाइंट को हमने यूज किया है, तो उसको भी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को। यहाँ पर हम रखेंगे फ्रॉम एट द रेट एंगुलर एंगुलर स्लैश कॉमन स्लैश एच टी टी पी, राइट। और इसमें हम
HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को हम कर लेंगे, HTTP ये क्लाइंट मॉड्यूल राइट। अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों कि डिक्लेयर कर लिया हमने, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के अंदर जाएंगे, कॉमा, इसमें हमने लिखेंगे HTTP क्लाइंट, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल कॉमा, फिर हम इन मेमोरी को भी कर लेंगे, इन मेमोरी BBPI मॉड्यूल डॉट फॉर रूट कर लेते हैं, फॉर रूट होगा। और इसमें पास कर देंगे टेस्ट डेटा को राइट। ये तरीका होता है दोस्तों हमें API को यूज करने का। और हमने सर्विस बनाया है तो सर्विस को हम प्रोवाइडर्स के अंदर डालते हैं। यहाँ पर हम सर्विस को रख लेंगे, बुक सर्विस को हम यहाँ पर रख लेंगे राइट। ये हुआ हमारा दोस्तों कि प्रोवाइडर्स के अंदर भी हमने बुक सर्विस रख लिया। अब अगला हमारा वर्क होता है दोस्तों एप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट TS फाइल पर चलते हैं। इसको पहले सेव कर लेते हैं और फिर उसके बाद एप डॉट मॉड्यूल डॉट TS फाइल पर आए हम। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, पहले टाइटल चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हम किस पे क्या काम कर रहे हैं। सब 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 अपने एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं राइट। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे हम अपने बुक का, सॉफ्ट बुक कर देते हैं। इसमें हमने बुक को क्या कर लेते हैं कि बुक टाइप का बना लेते हैं, जो हमने अभी टाइप बनाया था। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे कि उस बुक सर्विस को यूज करेंगे राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट, देख वेरिएबल बना लेते हैं बुक सर्विस, बुक सर्विस, और इसमें हम बुक सर्विस को कर लेते हैं जिसको यूज करना है, बुक सर्विस हमने जो बना रखा है बुक सर्विस राइट। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि उसका जैसे ही कंस्ट्रक्टर अपने आप लोड होता है, जैसे लोड होगा अपनी सर्विस को कॉल कर लेगा। उसके बाद दोस्तों एक हम फंक्शन बनाते हैं गेट सॉफ्ट बुक्स राइट, इसको हम यूज कर लेंगे। यहाँ पर हम फंक्शन बनाए, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि इसमें दिस डॉट, यहाँ पर हम सब्सक्राइब यूज करेंगे दोस्तों, जो हमें रिस्पॉन्स आएगा ऑब्जरेबल से उसको यूज करने के लिए राइट। यहाँ पर दिस डॉट बुक सर्विस जो हमने बनाया अभी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर बुक सर्विस डॉट गेट बुक फ्रॉम स्टोर राइट, जो हमने अभी बनाया था, और इस फंक्शन में हम डॉट सब्सक्राइब कर देंगे राइट। देखिए यहाँ पर आ गया सब्सक्राइब। उस सब्सक्राइब करने का तरीका ये होता है कि उसके मेथड के अंदर हम पास कर देंगे बुक्स, और ये सब्सक्राइब करने का कीवर्ड होता है दिस डॉट सॉफ्ट बुक, जो हमने अभी ऊपर वेरिएबल लिया राइट, इक्वल टू बुक्स। इसके बाद हम कॉल दे दिए राइट, और इस मेथड को दोस्तों हम ऑन इनिट पर कॉल कर लेंगे राइट। एक ऑन इनिट बनाते हैं, ng ऑन इनिट राइट, इस पर हम इसको इस मेथड को कॉल कर लेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, दिस डॉट डॉट गेट सॉफ्ट बुक्स राइट, इसको हमने कॉल कर लिया। अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया दोस्तों, इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमारा बुक का टाइप यहाँ पर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड, यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना होगा बुक को, इंपोर्ट यहाँ पर हम बुक को इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम बुक, इसको चला जाएगा। ये हो गया दोस्तों, इसको हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हमारा काम बच जाता है थोड़ा सा HTML पर, जहां पे इसको हमें शो करना है। तो ये सारी चीजें तो हम हटा देते हैं यहाँ से, इसे कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर दोस्तों हम
यूएल ले लेते हैं, इसके अंदर एलआई के अंदर हम सब बाइंड करके दिखा देते हैं डेटा। एलआई के अंदर क्या करेंगे दोस्तों, एनजी फोर ले लेते हैं, एनजी फोर इक्वल टू लेट लेट बी के ऑफ, ये वेरिएबल हमने बनाया गेट, यहाँ पर सॉफ्ट बुक है ना, सॉफ्ट बुक्स जो हमारा जो हमने बनाया था अभी, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, अब बाइंड करेंगे आईडी में, क्या करेंगे हम आईडी में हम बाइंड कर देंगे बी के डॉट, इंटरपोलेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, बी के डॉट आईडी कॉमा नेम में हम बाइंड कर देंगे इंटरपोलेशन के अंदर, अंदर ही हमारा होगा इंटरपोलेशन के अंदर बी के डॉट नेम कॉमा, फिर हमने कैटेगरी के अंदर हमने क्या किया, फिर इंटरपोलेशन हमने यूज किया बी के डॉट कैटेगरी, राइट। ये हमारा हो गया, अब यहाँ पे डेटा शो हो जाएगा, इसको भी हमने सेव किया। तो दोस्तों हमने क्या क्या स्टेप यूज किया मैं आपको एक बार फिर रिपीट करता हूँ यहाँ पर, या इससे पहले मैं आपको इसको रन करा कर दिखाता हूँ कि रन करने के बाद क्या दिखता है डेटा। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, एनजी सर्व करेंगे यहाँ पर और इंटर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद इसको सर्व करेगा इट्स कंपाइल, बट ये एरर दे रहा है दोस्तों, क्योंकि क्या बोल रहा है कॉमा होगा एप डॉट मोडुलो टेस्ट फाइल, इस पर राइट क्लिक करके हम जा सकते हैं कंट्रोल के साथ, यस यहाँ पर हमने सेमी कॉलन लगा रखा है जबकि यहाँ पर कुछ नहीं होगा। इसके बाद हम सेव करेंगे और रन हो गया। अभी हमने देखा एक शायद यहाँ पर इश्यू है, यहाँ पर एनजी फॉर्म में दोस्तों हमेशा एफ जो होगा कैपिटल होगा। अब इसको सेव करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे, और दोस्तों डेटा हमारा यहाँ आ चुका है, आईडी आईएस लिख दिया शायद हमने यहाँ पे, यहाँ पर हम क्या करेंगे एच टी एम एल के अंदर शायद हमने इज लिख दिया है, इसको हम यहाँ से डी लिखेंगे, राइट। सेव करेंगे और ब्राउजर में जाएंगे, हम यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि डेटा आ चुका है, मीन्स कि हमारा डेटा रन हो चुका है, ठीक है। मीन्स कि हमने क्या किया, वेब एपीआई से हमने सर्विस बनाया, सर्विस वेब एपीआई को हमने यूज किया, यूआरएल को उसको हमने अपने डेटा को शो कराया, राइट। ये सारी चीजें हो सकता है आपके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये डेटा आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे आया। फिर भी मैंने एक स्टेप आपको बताया कि किस किस स्टेप से क्या करेंगे, उस स्टेप को मैं फिर से एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि किस किस कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे हमने फॉलो किया। तो आपको पता ही है सब्सक्राइब के मेथड होता है, एक क्लास होता है सब्सक्राइबेबल, और उसमें अंदर हम सब्सक्राइब मेथड को यूज करते हैं, और हम कौन कौन सा स्टेप हमने यूज किया। पहले हमने क्या किया दोस्तों कि हमने एक सर्विस क्रिएट किया, राइट। सर्विस के अंदर हमने मेथड क्रिएट किया, आप देख सकते हैं यही हमने वहाँ बनाया था बुक को, और बुक के पास किया था। उसके बाद दोस्तों हमने क्या स्टेप टू में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल पर, और उसको हमने क्या किया सब्सक्राइब कर लिया, और ऑन इनिट पर इस मेथड को हमने कॉल किया जो गेट बुक सॉफ्ट बुक है, राइट। और तीसरे स्टेप पे हमने क्या किया कि एचटीएमएल के अंदर पास करके उसको डेटा को दिखा लिया, राइट। ये सारे हमने स्टेप फॉलो किए उसमें, फिर आई थिंक आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि हम कैसे एपीआई की यूज करते हैं, कैसे अपना एपीआई बना लेते हैं एंगुलर के अंदर, और उसको कैसे सर्विस के अंदर सब्सक्राइब करके सर्विस के अंदर उसको ऑब्जर्वर बनाते हैं, और जिस कंपोनेंट पर हम के उसको सब्सक्राइब करके उस डेटा को गेट करना होता है सब्सक्राइब कर लेते हैं, उस डेटा को गेट कर लेते हैं और एचटीएमएल पर डिस्प्ले करा लेते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन दोस्तों तो हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।